राजधानी रायपुर में नशा के कारोबार करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, 21 जुलाई को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की और व्यास तालाब के पास एक व्यक्ति काले रंग का ट्रॉली बैग के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 7 पैकेटों में मादक पदार्थ गांजा मिला है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 21 तारीख को जब पेट्रोलिंग कर रहे थे, उस समय मुखबिर से सूचना मिला कि एक आदमी काले रंग के बैग में 25 मतलब कुछ गांजा लेके जा रहा है। तो हम लोगों ने घेराबंदी करके पकड़ा, तो उसमें देखा कि लगभग 25 किलो गांजा था, जिसका नाम दीमा नाइक है। वो बाहर ले जाना बताया है, इस पर कार्रवाई की गई।